तो अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, प्रोटेक्शन इज मस्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज जा रहा हूँ मैं व्लॉग शूट करने के लिए। अरे इस हेलमेट है मैंने पहले ही मेरे को, सांस फूलने लग जाती है इस हेलमेट के अंदर। पहले कर लेते हैं बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट। तो ये देखो गाइस, मेरी बाइक जो है ना अभी भी मतलब अच्छी है, फर्स्ट क्लिक में स्टार्ट हो जाती है। अभी नीचे जाके पता लगेगा। अभी देखते हैं साउंड कैसी आएगी, होप सो अच्छी आई हो। अभी मैं सुबह सुबह ही निकला हूँ ऐसे तो, पर लेट हो गया फिर भी थोड़ा, क्योंकि ना दोपहर को काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी फील होगी, इससे अच्छा मैंने सोचा अभी अभी निकलते हैं। एक तो यार सुनाई कुछ नहीं देता ना इस हेलमेट के अंदर, कोई बस वगैरह आ जाए ना इन तंग मोड़ों पे तो हो सकती है दिक्कत, बाकी फ़िलहाल तो कोई चक्कर नहीं, आराम से जाएंगे। रेत वगैरह बहुत पड़ी है। ड्यूक 200 वाला बंदा भी देख रहा था। थोड़ा कंफर्टेबली बैठना पड़ेगा। एक तो यार यहाँ ना रास्ते की हालत काफ़ी ख़राब कर रखी है इन लोगों ने, और मेरे GoPro की बैटरी भी ना 44 कुछ परसेंट थी, बस थोड़ा रिकॉर्ड कर दे बस ब्लॉग शूट हो जाए, क्योंकि ब्लॉग शूट करना मतलब आपको पता है उसके लिए निकलना पड़ता है, और मेरे पास ना घर पे काफ़ी काम होते हैं मतलब, और काम भी ऐसे होते कि पूछो ही मत। और थोड़े रोड भी यहाँ पर ना कुछ कुछ जैसे रेत वेत फेंकी होती है, और आगे जैसे ये देख लो, वैसे तो काफ़ी अच्छा अच्छा ही फील हो रहा है, अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है ना, क्योंकि अभी देख लो टाइम देखो अभी 9:45 हो रहे हैं, और वैसे तो हिमाचल में काफ़ी कम गर्मी होती है, जो ऊपर के इलाके वाले बंदे हैं उनको तो और कम गर्मी लगती है, मतलब ऊपर रोहडू शिमला वहाँ तो अच्छा रहता है ना। अरे का तो अभी मैं पहुंच गया हूँ टंबर, तो इस जगह का नाम है टंबर। अब
और ऐसे तो बाइक में काफ़ी पावर होती है, आपको पता है जितनी बड़ी मतलब सीसी की बाइक ऐसे चढ़ जाती है इधर उधर, फील ही नहीं होता कि यार इसको स्ट्रगल करने की ज़रा ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्यूल भी मेरे को अच्छा मतलब माइलेज दे रही है, मैंने एक ही बार 1000 रुपये का डलवाया था या निखिल ने जब सर्विस करवाई थी मेरे भाई ने, तो तब से मतलब बढ़िया चल रहा है। अभी भी देख लो हाफ टैंक फुल ही है लग रहा है मेरे को अभी तक। तो वो चीज़ होती है मेन मैटर करती है। और बाकी यार बस गोप्रो की ना एक ही दिक्कतें हैं इनकी कि कभी कभार ना साउंड अच्छी रिकॉर्ड कर देता है और कई बार बिल्कुल ही बेकार, तो हम बार बार ट्राई तो कर नहीं सकते। अब एक बंदे ने जो रूट पकड़ लिया या घूमने गया है जैसे, तो उसने जो एक बार ब्लॉग शूट कर लिया बार बार तो होगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कई बार कि यार ये क्या हो गया मतलब, तो क्यों ख़राब हो गई। जैसे कल परसों भी मैंने वो रिकॉर्ड किया था तो वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो उस वजह से मूड भी ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है पर फिर भी और ये कंकड़ वगैरह भी देखने पड़ते हैं ना। यहाँ पे ना रोड अच्छे होते हैं बट ये बीच में जो बजरी वगैरह थोड़ी बहुत फेंक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता है, तो अभी इतनी आदत भी नहीं है जैसे कि हेलमेट के अंदर कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को कि पीछे पीछे क्या है, बस बाइक की साउंड सुनाई देती है, अपना हॉर्न सुनाई देता है और मेरे को शीशे ही देखने पड़ते हैं कि यार कुछ आ तो नहीं रहा है, क्योंकि और देख लो ये हालत होती है यहाँ इस रोडों की, तो यहाँ पे गिट्टे बिट्टे बड़े होते ना, ये देख लो। तो वैसे गोप्रो चलता रहे, बाकी तो क्या ही है, और आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड होगी हो, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और वैसे मैं इस रोड पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मतलब अपनी बाइक को लेके, ऐसे तो गाड़ी वगैरह में काफ़ी टाइम जाता रहा हूँ पर उसमें कभी गया नहीं मतलब। तो ये फर्स्ट टाइम ही है मेरा, और हेलमेट वगैरह आपको पता है ना मैंने जैसे बताया था, थोड़ा सा ये हो जाता है अनकंफर्टेबल, बाकी तो कोई सीन नहीं है अपना। अभी बस बस पता नहीं कब आने वाली है, और मेरे को सुनाई नहीं देता ना इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। एकदम से मोड़ पे देखो मिल गई ना, देख रहे ये बजरी साली, यहाँ पे रोड की सफाई नहीं करते। तो यहाँ पे देखो आप, अगर थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखेगा यहाँ से अच्छा दिखाई देता है, मतलब उतना बुरा नहीं दिखाई देता है ज़्यादा दूर तक। देखो यहाँ पे क्या हाल हो जाते हैं बारिश, ये पिछली बरसात के टाइम पे हो गया था और अब नहीं पता कि ये कब हो जाएगा, तो वही लफड़ा है कौन जाने। जब तक मतलब मौका मिला है तब तक हम राइड कर लेंगे, और बरसात के टाइम पे तो सब कुछ बंद ही हो जाएगा यार, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। ये देखो रोड, काफ़ी रोड टूट जाते हैं। आज मैंने हेलमेट के ना ऊपर वाले जो होते हैं ना सिर के ऊपर वो हवा के लिए इनटेक, वो खोल के रखे हैं बस, हवा उम्मीद यही है कि आवाज़ अच्छी आई होगी, और नहीं आई होगी तो क्या ही कर सकते हैं।
तो ब्लॉग ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार। ब्रेक्स तो काफ़ी अच्छी होती हैं हर बाइक की, नहीं इसकी तो मज़ा सा आ जाता है, एकदम से बाइट फील होती है। और होप सो कैमरा का एंगल भी अच्छा आया होगा। अब थोड़ी थोड़ी गर्म गर्म सी हवा लगने लगी है टांग पे, बस उम्मीद मेरे को यही है कि सब कुछ अच्छा हो गया और रिकॉर्ड वगैरह जो भी मैंने ये सब सारा जुगाड़। और फिर भी प्रोटेक्शन तो फर्स्ट है, मेरी प्रायोरिटी प्रोटेक्शन होती है भाई। मैंने ग्लव्स भी ऑर्डर किए हैं और न्यू शूज़ भी ऑर्डर किए हैं क्लैन के, तो प्रोटेक्शन तो अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। भक्ति तो बहुत है भाई। आज मेरे को आगे की ब्रेक से ना आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो सच में ही नहीं कर रही आवाज़ आज ये, कि पता नहीं क्या चक्कर है या क्या पता। राइड करके ना थोड़ा अच्छा लग जाता है, मूड फ्रेश होता है यार मेरा, मैं तब बाइक राइड करता हूँ ना क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा फ्रेश हो जाता है और अच्छा लग रहा है यार। मतलब नहीं तो घर में ही बैठा होता और थोड़ा अजीब सा लग रहा होता, बोरिंग खाना खाने के बाद, और आजकल गर्मियों में तो सुस्ती पड़ जाती है। अब ये जहाँ तक रिकॉर्ड होगा ना गाइस वहाँ तक कर देंगे, और जहाँ पर नहीं हो पाया तो अब क्या ही कर सकते हैं, गोप्रो जितना साथ देगा उतना ही कर पाएंगे। अभी जहाँ पे मैं नीचे रुकूँगा ना मंदिर के पास, वहाँ पे चेक करूँगा कि यार ये रिकॉर्ड कर भी रहा है या नहीं। वैसे तो कर रहा होता है, और जब बंद हो जाता है आपको पता है बीप बीप की साउंड दे ही देता है कि अगर ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो। बाकी तो अभी धीरे धीरे जाएंगे, कुछ कुछ मंदिर वगैरह भी जाया करेंगे जैसे जैसे जितना जितना मौका मिलेगा। और तेरी ये क्या है भाई, ये कैसे फट गई, अभी हुआ जस्ट, ये देखो पानी यहाँ तक पहुँच गया, पानी का प्रेशर जो था ना भाई उसने पाइप को फाड़ दिया। हाँ, अभी मैं ग्लव्स ऑर्डर किए हैं मैंने, वो भी कभी कभार पहन लिया करेंगे, एक दो बार तो पहनने ही पड़ेंगे, कोई न्यू चीज़ है तब तो पहन के देखने ही पड़ेंगे ना कि कैसे हैं। जय हो। नीचे टाइम तो उतराई है ना, आते टाइम आएगी चढ़ाई, चलो जो भी है। बस थोड़ा सा ना यार ये थोड़े से तो मतलब हार्ड हैं जो ये एक्सेलरेटर, जो हैंडल बार जो भी है ना, थोड़े थोड़े तो हार्ड लगते हैं, मतलब हाथ पे ना पेन सा होने लगता है। वैसे तो यार एक बार बाइक चलाने लग जाओ ना तो यही होता है मन में कि यार चलाते रहूँ, मतलब उसका ये देखो ज़रा सी मैंने बाइक थोड़ी सी मतलब ब्रेक ज़रा सी हार्डली प्रेस की तो यार आवाज़ करती है। अब इसका ये सोल्यूशन शोरूम पे ही हो पाएगा जब ये जाएगी शोरूम पे, सॉरी सर्विस सेंटर, तब तक तो हमें ऐसे काम चलाना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ WD-40 वगैरह से भी, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कि यार WD-40
कई बार थोड़ा सा स्प्रे करने पे ना डिस्क पे ये आवाज़ गायब हो जाती है, क्योंकि डिस्क पैड तो मेरे बिल्कुल ही न्यू है यार अभी तक। मैं तो मेरी बाइक ही 600 किलोमीटर के आसपास चली है, तो ब्रेक पैड का तो सीन हो नहीं सकता। तो यही है यार, ठीक है। और पिछली ब्रेक भी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। मज़ा आता है वैसे ना जब अगली ब्रेक किकिंग करती है ना एबीएस, थोड़ा अच्छा फील होने लगता है कि यार अपने पास एक अच्छी पावरफुल और ब्रेक वाली बाइक है। बस एक बार मोशन बनना चाहिए, इन टायर्स को गर्म होना चाहिए। मुझे तो ये टायर भी अच्छे लगे, बट अगर जब भी मेरे टायर ख़त्म होंगे ना मैं मिशलिन के डालूँगा रोड 5, जो कि मेरी हमेशा से ही मतलब एक मैंने जैसे कि मैं पहले सोचता था कि 5-6 RTR लेने के लिए, मतलब RR की भी अच्छी लगती थी मेरे को 5 भी, तो वही था यार। मतलब उतनी बुरी नहीं थी वो बाइक भी, बट उसका यही था आपको पता, नेकड बाइक थी, पीछे कोई बैठ नहीं सकता, सीट हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, इससे 10 mm ऊंची होती है वो। तो होता है यार, गड्ढे में घुसा देता हूँ ना मैं। बस यहीं पे रुकूंगा मैं नीचे मंदिर के पास। और GoPro को भी चेक कर लेंगे कि यार कैसी ये आवाज आ रही है, ये रिकॉर्ड कैसी हुई है। यहीं पे लगा देते हैं ना इसको, थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ पे मतलब छांव भी है। मैं नीचे लगाऊँ, इधर ही ठीक है फिलहाल तो। तो अगर इसके अंदर बैटरी बची होगी तो इसको मैं पॉज करके ना थोड़ा फिर से कर लूँगा, क्योंकि अच्छा हो जाएगा ना। थोड़ी रह गई है गाइस, अगर ये मेरे को वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ी ना तो करनी पड़ेगी। अभी मैं इधर हूँ, ये देख लो यहाँ पे रेंज सेट रहा है। ओहो, तो यहाँ पे थोड़ी देर अच्छा लग रहा है। और ये हमारी बाइक खड़ी है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे GoPro के तो गाइस मेरे ना GoPro की बैटरी हो गई है डाउन, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अभी देखो मैं इधर लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये देख लो ये मेरी बाइक को मैंने इधर खड़ा किया है, और अब वापस निकलूंगा क्योंकि बैटरी डाउन हो गई यार। मैंने इसको चार्ज भी किया था बट 25 मिनट की वीडियो तो इसने निकाल ही दी है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।